एंजल वन ने एक शानदार फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टा ट्रेड। यह एक बहुत शानदार फीचर है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप एंजल वन के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास नंबर एक पे डिस्कवर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप डिस्कवर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो में आपको सबसे टॉप के ऊपर आपको एक इंस्टा ट्रेड नाम से एक ऑप्शन एक बैनर दिखाई देता है। इसके बटन के ऊपर हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से ओपन हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिलता है। चार्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे बटने देखने को मिलती है, बाय कॉल एंड बाय पुट की बटन देखने को मिलती है। इस विंडो की सबसे खास बात यह होती है कि आप यहीं से ऑर्डर लगा सकते हैं, यहीं से अपना टारगेट लगा सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ सबसे पहले जो दो इंडेक्स आपको देखने को मिलते हैं, पहला इंडेक्स है निफ्टी का, दूसरा इंडेक्स है बैंक निफ्टी का। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट देखने को मिलती है। अगर वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो वॉच लिस्ट बनी हुई है ये आपको देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे जो बैक बटन है, बैक बटन के ऊपर हम यहाँ पे जैसे प्रेस करते हैं तो हमको वापस इंस्टा ट्रेड के ऊपर लेके चले जाएगा, तो हमारी विंडो पे वापस आ जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके ऑर्डर की बटन देखने को मिलती है। अगर आपने कोई ऑर्डर लगा रखा है तो आपके ऑर्डर की जो भी पोजीशन है वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने कोई बाय ऑर्डर लगाया है या कोई सेल ऑर्डर लगाया है तो आप जैसे ही इस ऑर्डर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके बाय एंड पेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बैक बटन पे वापस प्रेस करते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई पोजीशन बना के रखी है मार्केट में तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलता है कि आपका बनाई हुई पोजीशन पे क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या चल रहा है। इसके बाद अगर आपको कोई ऑप्शन बाय करना है, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है तो यहाँ पे जो बटन दी गई है तो यहाँ पे आपको कॉल बाय करने के लिए या पुट बाय करने के लिए आप जैसे इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा लगता है, मार्केट आपका व्यू आपका किस प्रकार का है। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप सी में जाओगे, अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर निगेटिव है तो आप पी में जाओगे, पुट बाय करोगे। इस प्रकार से आप यहां से कोई भी ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, ऑप्शन यहां से आप लेके ले सकते हैं। अगर सपोज आपने निफ्टी में आपको लगता है कि निफ्टी में पुट बाय करना चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको आना पड़ेगा यहां पे वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट पे आज जैसे आते हैं तो अभी निफ्टी जैसे कि ट्रेड कर रहा है 17,622 के प्राइस पे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 17,600 के कॉल पुट में हमको काम करना है तो हम 17,600 ऐड करेंगे, इसका पुट ऑप्शन यहां पे लगाएंगे। इसके बाद हम यहां पे इस पे पुट पे क्लिक कर देंगे, निफ्टी पुट पे। फिर यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक कर देंगे या हम इसको इंस्टा ट्रेड की सहायता से अगर हम बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डिस्कवर ऑप्शन पे जाएंगे, इंस्टा ट्रेड पे जाएंगे। इंस्टा ट्रेड पे आने के बाद आप यहाँ पे मार्केट वॉच पे जाएंगे। मार्केट वॉच पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ तो यहाँ पे हमने जो ऑप्शन लगा रखा है इस पर हम प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे बाय का और सेल का बटन आ जाएगा, तो जनरली हमको यहाँ पे बाय करना है तो हम यहाँ बाय ऑप्शन पे जाएंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे निफ्टी का 50 का लॉट है तो हम यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे, क्योंकि एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है तो हमको यहाँ पे एक ही टाइप करना है। जो रिक्वायर्ड मार्जिन है ये हमको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा कि अगर हम करंट प्राइस पे बाय करते हैं तो हमको 6,320 रुपये हमको देना होगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पे बाय बटन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है ये लग जाएगा और हमारा ये ऑप्शन बाय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंस्टा ट्रेड का यूज़ करके यहाँ से इजीली निफ्टी में आप कॉल या पुट यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, जिसे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से संबंधित ऐसी अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।